हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ जानकारी देना चाहता हूँ HSC ग्रुप डी वेटिंग। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आप सभी, और दोस्तों घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि भविष्य में हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों ये वीडियो मैं आपके लिए अर्जेंट में बना रहा हूँ, वैसे मैं विजिट कर रहा हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से आपको जानकारी देने की। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत शोर आए पीछे से वीडियो में, उसके लिए आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान देना है मेरी बातों पर, जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों जी हाँ, इन्होंने अपनी मांगें वो तेज़ कर दी हैं। आज के पेपर में भी न्यूज आई है ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे युवा हैं, इनके ऊपर मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी। ये कल सभी अर्जुन स्टेडियम जींद में सारे इकट्ठे हुए, वहाँ पर इन्होंने शांतिपूर्वक अपनी मांग रखी सरकार से कि हमें अपना जो हक है वो मिलना चाहिए। 8 महीने से हम भटक रहे हैं। हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग है वो भर्ती है इसके बाद शुरू हुई और इससे पहले क्लियर हो गई, लेकिन इनकी जो वेटिंग है अभी वो क्लियर नहीं हुई है, किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमें हमारा हक है जो मिलना चाहिए। दोस्तों आप इनकी मदद करें, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनका साथ दें, सभी जगह इस वीडियो को एक प्रकार से वायरल कर दें। ट्विटर पर, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उन सभी जगह इनको आप जितना हो सके शेयर कर दें दोस्तों, ताकि ये बात CM तक जा सके और इनको अपना हक मिल सके। दोस्तों बस आपको इस वीडियो में यही जानकारी दूंगा, आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों आप सभी ने वीडियो यहां तक देखी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।